31,661 जो अभ्यर्थी चयनित होने वाले हैं आने वाली मेरिट सूची में, उन सभी अभ्यर्थियों की डायरेक्शन एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में यूयू ललित सर की बेंच में पहुंच चुकी है। जी हां, संयुक्त लीगल टीम की तरफ से एक एप्लीकेशन दायर की गई है जहां पर कहा गया है कि 31,661 अभ्यर्थियों की जो नियुक्ति प्रक्रिया सरकार ने शुरू की है उसे तत्काल प्रभाव से रोका जाए, तब तक रोका जाए जब तक 69,000 शिक्षक भर्ती का रिजर्व आदेश आपके द्वारा जारी ना किया जाए। ये इसलिए कहा गया है क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि देवरिया बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा एक चीज़ें यहाँ पर कही गई हैं यहाँ पर कि जो अध्यापकों की और शिक्षा मित्रों की यहाँ पर लिस्ट है वो मांगी गई है तत्काल प्रभाव से एक दिन के अंदर। और यहाँ पर साथ में साबित भी किया गया है, इस चीज़ को प्रूफ भी किया गया है कि 31,661 के अभ्यर्थियों की जो है नियुक्ति होने वाली है। तो यानी शासन ने कहीं ना कहीं बेसिक शिक्षा जो अधिकारी हैं उनको निर्देशित किया है कि आप तैयार रहिए, भर्ती प्रक्रिया हम जल्द ही शुरू करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर एक ये आपको कन्फर्मेशन मिल सकता है। फिलहाल जैसा कि आपको पता है कि आज लिस्ट जारी नहीं हुई है, लेकिन पूरी उम्मीद है कि कल बेसिक शिक्षा परिषद के माध्यम से एक आदेश जारी होगा, साथ में मेरिट सूची कल नहीं तो परसों जारी होगी, लेकिन आदेश आपको कल देखने की प्रबल संभावनाएं हैं। और यही डायरेक्शन पहले भी आपको चैनल के माध्यम से बताया गया और अधिकारियों के माध्यम से दिया गया है। अब ये डायरेक्शन एप्लीकेशन में यूयू ललित सर सुप्रीम कोर्ट से क्या आदेश करते हैं ये देखने वाली बात होगी। अगर उन्हें सही लगता है तो वो इस 31,661 पदों पर होने वाली भर्ती प्रक्रिया पर रोक भी लगा सकते हैं। अगर वह रोक नहीं लगाते हैं तो इन टॉप के 31,661 अभ्यर्थियों को जल्द ही नियुक्ति पत्र प्राप्त हो जाएंगे। आगे की इसी तरह की जो भी जानकारी मिलेगी आपको तुरंत चैनल के माध्यम से सूचित की जाएगी। इसके लिए वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।